हेलो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और ये सुबह सुबह होटल रूम से ही आप मंदिर के दर्शन कीजिए। जय सोमनाथ। बहुत ही मनोरम दृश्य है फ्रेंड्स, और ये पीछे समुद्र, सी। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के अंदर हम मोबाइल नहीं ले जा सकते, वीडियो शूटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। सो हम आपको मंदिर के बाहर से ही दर्शन करा सकते हैं। मंदिर के अंदर आप कोई भी सामान, मोबाइल, बैग आदि नहीं ले जा सकते। आप पॉकेट में कुछ पैसे ज़रूर ले जा सकते हैं प्रसाद वगैरह के लिए। मंदिर के बाहर ये सामान घर है, यहाँ आपको सब डिपॉजिट करना होगा। यह है प्रवेश द्वार मंदिर का। यहाँ से लाइन लगनी शुरू होती है फ्रेंड्स। ये देखिए गार्ड्स बैठे हुए हैं। मंदिर के बाहर ही ये स्वागत कक्ष बना हुआ है अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। फ्रेंड्स, मंदिर में आप शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं पहन के जा सकते, आपके घुटने तक कपड़े होने चाहिए, घुटने तक ढके होने चाहिए। ये आसपास का दृश्य, और पास ही में सोमनाथ बीच है, अभी हम वहाँ जाएंगे। ये देखिए ये बीच की एंट्री है, यहाँ से आपको टिकट लेनी है 5 रुपीज़ पर पर्सन। और ये हम पहुंच गए सोमनाथ बीच पे। बीच पे काफ़ी भीड़ है फ्रेंड्स, मैं ये सिर्फ एक किनारे का दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ से भी मंदिर दर्शन होते हैं। ये देखिए ये देखिए बीच पे कितनी भीड़ है। इसके बाद सोमनाथ मंदिर के पास ही 5-7 मिनट की दूरी पे त्रिवेणी संगम है, फिर हम वहाँ गए। ये त्रिवेणी संगम है। अभी यहाँ पानी कम था फ्रेंड्स, अदरवाइज यहाँ पे बोटिंग भी होती है। ये सभी पक्षी एक ही तरफ देख रहे थे फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ आकर आपको अच्छा लगेगा, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बाढ़ गंगा के लिए निकल पड़े, जो कि सोमनाथ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये देखिए यहाँ समुद्र में 3 शिवलिंग है। इस झंडे के आसपास आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक शिवलिंग दिखाई देंगे। ये देखिए पानी कम होने पे बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। इस झंडे के पास ये देखिए 2 शिवलिंग हैं, आपको थोड़े से दर्शन मिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सोमनाथ की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
इसका पहला पार्ट भी है, आप मेरे चैनल पे जा के देख सकते हैं, ये पार्ट टू है, सोमनाथ पार्ट टू। आगे आपको द्वारका की वीडियोस देखने को मिलेंगी, द्वारकाधीश मंदिर, सुदामा सेतु, थैंक यू फ्रेंड्स, जय सोमनाथ।